ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट सिद्धू मूसेवाला की माता चरण कौर जी को लेकर सामने आ रही है। छोटे सिद्धू को लेकर चरण कौर और बलकौर सिंह जी ने जो है पहला भाषण दिया है, पहला स्पीच दिया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें सिद्धू की माता चरण कौर जी ने पहले स्पीच में, पहले भाषण में जो है धूल चटाने की बात की। आखिर किसे धूल चटाने वाली है वो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं पूरी जानकारी। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज भगवंत मान की लड़की हुई है और भगवंत मान ने ये पोस्ट साझा किया है। वहीं आपको बता दे सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई शुभदीप होने के बाद जो है भगवंत मान की बेटी हुई है, और चरण कौर जी जहां एक तरफ बेटे को जन्म दी है तो वहीं भगवंत मान के घर बेटी पैदा हुई है। तो इसे लेकर जो है सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा ट्रोलिंग चल रही है एक दूसरे की। जब छोटे सिद्धू इस दुनिया में आए थे तो आपको बता दे सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जी पर FIR दर्ज की गई थी और डॉक्यूमेंट्स जो थे मांगे गए थे बच्चे के लीगल होने का, जिस पर सिद्धू के फादर साहब सामने आए थे रातों रात और उन्होंने जो है बयान दिया था जो हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और लीगल तरीके से जो है बच्चा हुआ है, इस तरह की तमाम चीजें जो है उन्हें सामने रखनी पड़ी थी सबूत के तौर पर। अब भगवंत मान की आज बेटी हुई है, सिद्धू फैंस लगातार जो है उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। भगवंत मान के बेटी होने पर जो है आप देख स्क्रीन के ऊपर जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स लगातार सिद्धू के फैंस मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तुमने बलकौर सिंह जी के घर में जब बेटा पैदा हुआ चरण कौर जी का IVF के द्वारा, तो तुमने जो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर इतने सारे भाषण दिए, इतना परेशान किया, अब तुम अपनी बेटी के लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाओ। साथ ही ट्रोल कर करके जो है सिद्धू के फैंस ने यह भी लिखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल का जो है ये बच्चा है तुम्हारा नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें जो है आपको बता दे भगवंत मान को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज सिद्धू की माता चरण कौर जी का स्पीच जो है लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें सिद्धू की माता चरण कौर जी जो हैं अपने बेटे श्रवण पुत्र के जस्टिस को लेकर एक बार फिर से बात करती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि दुश्मनों को जो है धूल चटाकर ही दम लेंगे। और वहीं आपको बता दें भगवंत मान पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे जो है सिद्धू फैंस लगाने लग गए सिद्धू की माता चरण कौर जी के इस भाषण के बाद। छोटे सिद्धू जब से आपको बता दे हवेली में पहुंचे हैं तब से कई सारी धमकियां मिल रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दे सिक्योरिटी का तगड़ा इंतजाम किया गया हवेली में, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपको बता दे डर तो डर ही है, और इसी डर की वजह से, इसे सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है, सेफ्टी रीजन की वजह से जो है सिद्धू की माता चरण कौर जी ने साफ तौर पर यह निर्णय लिया है कि 1.5 महीने तक किसी भी फैंस को छोटे सिद्धू से जो है, छोटे मूसेवाला से, छोटे शुभदीप से जो है, चाहे आप मूसेवाला कह लीजिए, शुभदीप कह लीजिए, क्योंकि सिद्धू के पेरेंट्स ने नाम तो वही रखा है सेम छोटे सिद्धू का, तो छोटे सिद्धू से जो है मिलने नहीं दिया जाएगा। 1.5 महीने के बाद ही छोटे सिद्धू के दर्शन कर पाएंगे। और आपको बता दें हवेली पर जो भी लोग जा रहे हैं उनसे सिद्धू के फादर साहब बलकौर सिंह जी मिल रहे हैं लगातार, लेकिन छोटे सिद्धू से नहीं मिल पा रहे हैं, और वो भी सेफ्टी रीजन की वजह से। सोशल मीडिया पर छोटे सिद्धू को लेकर ये बातें भी कही जा रही है कि अब छोटा सिद्धू आ गया है मैदान में और दुश्मनों से बदला लेगा, अपने बड़े भाई का बदला लेगा। लेकिन आपको बता दें इस तरह की कोई भी चीज जो है सिद्धू के पेरेंट्स ने अब तक नहीं कही है। वेल, भगवंत मान के घर जो है आज लड़की हुई है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? जो भी राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, साथ ही #justiceforsiddhumoosewala भी अवश्य लिखिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। धन्यवाद।